जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान को इख्तियारात देने के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को बराबर के हकूक देने का फैसला दिया। ये 20 लाख लोगों के बुनियादी हकूक का मामला है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें सदारती हुक्मनामे के तहत काम कर रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आसान मामला नहीं है, इस मामले पर आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। मैं वफाक से हदायत लेना चाहूँगा, अदालत तहरीरी जवाब के लिए मोहलत फराहम करे। एतजाज अहसन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तार हैसियत को भी पेश नजर रखना होगा। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल हसास मामला है, इस मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भी कह सकते हैं। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया, जबकि सीनियर वकला ख्वाजा हारिस और एतजाज अहसन को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सज्जाद हैदर, कैपिटल टीवी, इस्लामाबाद।